अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम ये बहुत ही मज़ेदार सी मटन मंदी या लैम मंदी जो है घर में बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग आवर रेसिपी। सबसे पहले हम मंदी मसाला जो है वो प्रिपेयर कर लेते हैं। उसके लिए 1.5 टेबल स्पून साबित धनिया, 4-5 दालचीनी, सिनेमन स्टिक्स, 8-10 साबित हरी इलायची, 1 टीस्पून साबित काली मिर्च, 8-10 ये आप लौंगे डाल दें, 1/2 टेबल स्पून जीरा, आधा जायफल है ये, इसको मैंने क्रश कर लिया, 1 बड़ा तेज पत्ता, बेली, अगर छोटे हो तो 2 डाल दीजिए, 1/2 टेबल स्पून सुमाक, ये आपको किसी भी अच्छे बड़े स्टोर से मिल जाएगा, सुमाक अरेबिक स्पाइस होता है। इन सब चीजों को ग्राइंड करके एक मसाला बना लेंगे हम। ये देखिए, अच्छा सा हमारे पास मसाला बन गया। अब ये जो मसाला हमने पीसा है इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून मैं सॉल्ट डाल रही हूँ, बाद में हम इसको अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट करेंगे, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। हमारा मजेदार सा मंदी मसाला रेडी है। ये मटन लेग है मेरे पास, इसका वेट तकरीबन 1.25 kg है। इसको थोड़ा सा हम प्रिक कर लेंगे। 1/2 कप ऑयल ले लें, 1 मीडियम साइज की प्याज, 1-2 दालचीनी डाल दीजिए इसमें, सिनेमन स्टिक्स, 1 बादियान का फूल, साबुत काली मिर्च, ब्लैक पेपर थोड़ी सी, 1 टेबल स्पून फ्रेशली ग्रेटेड गार्लिक, 1 टेबल स्पून फ्रेशली ग्रेटेड जिंजर, इसके अंदर 1 टेबल स्पून ये जो हमने अभी मंदी मसाला बनाया है ये आप डालें, इसको थोड़ा सा सौते करते हैं। इसके अंदर ये जो हमारा मटन लेग है इसको डालेंगे, इसको अच्छी तरह से दोनों तरफ से हम थोड़ा सा मसाले के साथ भूनने देंगे। इसके अंदर 5-6 कप पानी डाल दें। ये जो यखनी बनेगी इसी के अंदर हमने चावल भी कुक करने हैं, तो ये उस हिसाब से आप पानी डालें। पानी बॉयल होना शुरू हो जाए तो इसको कवर कर दें, और उसके बाद इसकी आंच हल्की करके इसको हमने उतनी देर तक पकाना है जितनी देर तक ये टेंडर हो जाए रान। 1 घंटे से हमारा मटन लेग जो है वो इसमें कुक हो रहा है, तो अब देखते हैं। देखें कितने अच्छे तरीके से जो है ये गल गया है, यहाँ से बोन को गोश्त ने छोड़ दिया। तो अब हम बहुत ही केयरफुली इसको एक बेकिंग डिश में निकाल लेंगे, क्योंकि अभी हमने इसको थोड़ा सा बेक भी करना है, और ये जो हमारे पास स्टॉक बना है इतना मज़े का, इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे ताकि जो इसमें मसाले वगैरह हैं वो सब निकल जाएं, और क्लियर हमारे पास जो ये यखनी है ये निकला है, इसमें हम चावल पकाएंगे, और उतनी देर में ये मटन थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो इसके अंदर हम बाकी मसाले वगैरह लगाते हैं। अब थोड़ा सा 3-4 टेबल स्पून ऑयल ले लें, इसमें 4-5 लौंगे, 8-10 साबुत काली मिर्च, 6-7 हरी इलायची, सिनेमन, बेलीफ। इन चीजों को ऑयल में कड़कड़ा लें थोड़ा सा, जब इनकी खुशबू ऑयल में आ जाएगी तो मैं ये निकाल दूंगी, मैं इनको इसमें रहने नहीं दूंगी, क्योंकि बाद में मुंह में आती हैं जब ये चीजें ना तो बहुत बुरी लगती हैं। इसकी हमें खुशबू चाहिए होती है जो कि इस वक्त ऑयल के अंदर ये रिलीज कर देंगे। ये देखिए कड़कने लगी हैं ये चीजें, इसका मतलब इन्होंने अपना फ्लेवर और खुशबू ऑयल में डाल दिया है। बस अब इसको मैं निकाल के डिस्कार्ड कर दूंगी। अगर आपने रखना है इसको इसके अंदर तो आप रखे रहें। ये देखें इलायचियाँ भी खुल गई हैं, इसकी भी खुशबू आ गई है इसमें। मीडियम साइज प्याज मैंने डाइस कर लिए, इसको हमने बहुत कुक नहीं करना, बस ये ट्रांसल्यूसेंट होगी तो इसके अंदर हम चावल डाल देंगे। 500 ग्राम चावल जो है मैंने 1/2 घंटे पहले सोक कर दिए थे, अब इसमें प्याज के अंदर ये हल्की सी ट्रांसल्यूसेंट हो गई है, तो मैं ये चावल मिक्स कर दूंगी। जो मंदी मसाला हमने प्रिपेयर किया था वो मैं चावलों में 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ, और सॉल्ट 1 टीस्पून डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें सॉल्ट ऐड करें,
जब रेडी हो जाएंगे चावल तो उस वक्त भी आप टेस्ट करके देख सकते हैं, अगर कम लगे तो आप और सॉल्ट ऐड कर लें। तो थोड़ा सा हम चावलों को मसाले के साथ देंगे। फिर स्टॉक हमारा बना था जिसमें हमने मटन जो है टेंडर किया था, ये देखें ये मैंने सब स्ट्रेन कर लिया था, ये आप इन चावलों में डाल दीजिए। चावलों के हिसाब से डालें जितना आपको लगे कि जरूरी है, यानी कम ना हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा भी ना डालें कि बिल्कुल ही चावल जो हैं। सो आई थिंक इतना काफ़ी है और इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है तो अब मैं इसको कवर करके और दम पे रख दूँगी, 10-15 मिनट में चावल रेडी हो जाएंगे। इन द मीन टाइम आप एक अच्छे साइज का कोयला दहकने के लिए रख दें क्योंकि हमें अपनी मंदी को स्मोक करना होगा। मटन रान जो थी अच्छी सी गल गई है, आप देखें इतनी ज़बरदस्त सी। अब हम इसको जो हमारा मंदी मसाला है इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे और आप चाहें तो थोड़ा सा सॉल्ट भी इसके अंदर एडजस्ट कर लें, मैं थोड़ा सा डालूंगी क्योंकि हल्का सॉल्ट लग रहा है मुझे, आप इसको टेस्ट करके देख लीजिएगा। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा लेमन जूस डालूंगी, ये ऑप्शनल है लेकिन ये इसमें लेमन जूस बहुत अच्छा लगता है तो आप चाहें तो डाल लें चाहें तो ना डालें, मैं डाल रही हूँ। थोड़ा सा हम इसके ऊपर ऑयल ड्रिजल करेंगे, ये जो मसाला है हम इसके ऊपर हल्के हाथ से रब कर देंगे, इसको हमने थोड़ी देर के लिए ओवन में रखना है। इसी तरीके से फिर इसको पलट के इस साइड पर भी मसाला और ऑयल डाल के इसको हम रब कर देंगे। फुल हल्के हाथ से क्योंकि गोश्त बिल्कुल गल गया है, मसाला अच्छे से इसके ऊपर आप लगा दीजिए और बस 10-15 मिनट के लिए इसको ओवन में रख दें। गल तो ये गया है, बस इस पर थोड़ा सा कलर आ जाए इस मसाले के साथ, ये थोड़ा सा कुक हो जाए और फिर हमारी सारी चीज़ें रेडी होंगी, फिर हम बस असेंबलिंग करेंगे। चावल 15 मिनट से मैंने दम पे लगाए हैं, लेट्स चेक, देखें कितने ज़बरदस्त से खड़े खड़े से चावल हमारे बन गए हैं। इनको फ्लप अप कर लेते हैं ज़रा सा, चावल रेडी हो गए हैं, आप इनका नमक चेक कर लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि कम है तो डाल दीजिए। 10 मिनट्स मैंने ओवन में ये रान थोड़ी सी रोस्ट की है, इसको आप इसमें ही रख दें और ये जो सब जूसेस हैं इसके इसको भी हम रान में ऊपर डाल देंगे इसके। हमने जो ये कोयला दहकाया था ये हम इसके ऊपर रखेंगे और इस पे थोड़ा सा ऑयल डाल इसको स्मोक देंगे 5 मिनट के लिए और हमारी मंदी रेडी है। फिर मैं इसको प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी जबरदस्त सी शानदार सी मटन मंदी लैम मंदी रेडी हो गई है। राइस के ऊपर मैंने इसको इस तरीके से रख के प्रेजेंटेशन की है, आपको जिस तरह अच्छा लगे आप उस तरह इसको प्रेजेंट करें, अपने घर में बनाएं और इन्जॉय करें। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, आप इसको ट्राई करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल द नेक्स्ट टाइम टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।